कुछ मत कहना, कुछ भी नहीं सुनना मुझे तुमसे। गुस्सा किस बात पे है आपको? तुम्हारी खुदगर्जी पर। ऐसी कौन सी खुदगर्जी दिखाई है मैंने? अपने इतने करीबी रिश्तों के बारे में मुझे ना बताकर, ये खुदगर्जी नहीं है तो और क्या है सिला? अगर मैंने आपको दुआ के बारे में नहीं बताया तो उसने भी तो नहीं बताया, तो फिर सारा इल्जाम मेरे हिस्से में क्यों आ रहा है? तुम अब तक उसको इल्जाम दे रही हो सिला, शर्म करो। तुमने ही उसको मना किया था बताने से, और असमत आंटी के बारे में भी तुमने मुझे अनजान रखा। जब कोई रिश्ता तोड़ के जा चुका होता है ना, तो उसके हवालों पर फखर नहीं करते। और वैसे भी हम बहुत छोटे थे जब खाला हमें छोड़ के चली गई थी। उन्होंने एक बार पलट के भी नहीं देखा, और ना ही ये जानने की कोशिश की कि हम जी रहे हैं या मर गए। और ऐसा ये कुछ दुआ ने भी किया, इसलिए नफरत है मुझे उससे। वो यहाँ आयाशी से जीती रही और उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके भाई बहन भी हैं पीछे। उसने भी पलट के नहीं पूछा। आप ही बताओ मैं इन रिश्तों को कैसे अपने सीने से लगाती? मैं भी इंसान हूं, मेरे अंदर भी दिल धड़कता है, जो अपनों की बेवफाई पे खून के आंसू रोता है। जो भी है, अस्मत आंटी इस घर में मेहमान है, उनको तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मुझसे किसी को भी शिकायत नहीं होगी, बस आप मुझसे नजरें ना फेराते रहे, क्योंकि अगर आप मुझसे नजरें फेरेंगे तो मैं मर जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो सिला? You know I love you.